पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का जन्मदिन है और लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्मदिन है। दोनों महापुरुषों के जन्मदिन पर देशवासियों को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के रास्ते पर चलने की आवश्यकता है, ताकि राष्ट्र को और मजबूती मिल सके, राष्ट्र और आगे बढ़ सके और ख़ास करके नई पीढ़ियों को गांधी जी को जानना चाहिए। गांधी जी ने जो किया है, गांधी जी ने जो रास्ता दिखाया है, उसको जानने की ज़रूरत है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ प्रभाकर पांडे। जैसा कि आप जानते हैं कि आज महात्मा गांधी की जयंती है और इस जयंती पर पूरे देश में महात्मा गांधी की जयंती मनाई जा रही है। साथ ही साथ पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जयंती है। इस जयंती पर बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि आज के युवाओं को महात्मा गांधी के जो दिखाए गए रास्ते हैं उस पर चलना चाहिए और आज जिस तरह से बिहार नशा मुक्त है वो बहुत ही ये बड़ा उपलब्धि है बिहार सरकार की। लेकिन जिस तरह से प्रशांत किशोर आज पार्टी का गठन कर रहे हैं, नए दुकान चला रहे हैं, इस दुकान में किसी प्रकार से बड़ा बिकने वाला कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं है और जो भी प्रोडक्ट वो लाए हैं वो उस पर महात्मा गांधी ने कहा था कि यदि एक दिन के लिए मुझे तानाशाह बनना पड़े तो मैं सबसे पहले शराब को बंद करवाऊंगा। ये महात्मा गांधी का कथन था और इस समय जिस समय महात्मा गांधी की जयंती है उस पर ये पार्टी का गठन कर रहे हैं तो ये कोई बड़ा दुकान तो चलने वाला नहीं है। ऐसे जब भी कोई बिहार विधानसभा चुनाव आते हैं तो कई दुकान खुलते हैं लेकिन जैसे ही विधानसभा चुनाव खत्म होते हैं कई दुकानों की शटर लग जाती है तो ये भी शटर लगने वाली है, ये कोई बड़ा दुकान नहीं है। प्रशांत किशोर के पार्टी को दुकान बताते नजर आए मंत्री श्रवण कुमार, तो वहीं बाढ़ को लेकर बड़ा बयान दिया है, क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं, पहले आप ये सुने। आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का जन्मदिन है और लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्मदिन है। दोनों महापुरुषों के जन्मदिन पर देशवासियों को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के रास्ते पर चलने की आवश्यकता है, ताकि राष्ट्र को और मजबूती मिल सके, राष्ट्र और आगे बढ़ सके और ख़ास करके नई पीढ़ियों को गांधी जी को जानना चाहिए। गांधी जी ने जो किया है, गांधी जी ने जो रास्ता दिखाया है, उसको जानने की ज़रूरत है ताकि और देश को संबल मिल सके, मजबूती मिल सके। सर, प्रशांत किशोर आज पार्टी लॉन्च कर रहे हैं, क्या लगता है कि विधानसभा का चुनाव आने वाला है 2025 में और चुनाव आने से पहले बहुत सारी पार्टियां आती रहती है, खुलता रहता है बहुत सारा दुकान, तो दुकान खुल रहा है, कुछ ग्राहक लोग जाएंगे, कुछ वहां से भी टिकट लेंगे और फिर चुनाव के बाद उसमें शटर लग जाएगा। एक दुकान में शटर लगा है, अनेकों दुकान खुले हुए हैं, सब में शटर धीरे धीरे लग रहा है, तो उनके पास न कोई सोच है। उनको अगर सोच होता तो वो कहते हैं कि बिहार में हम शराबबंदी चालू कर देंगे, उन्होंने कहा था, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था, तो उनके आत्मा आज कितनी कराह रही होगी कि ऐसे लोग उसके उनके जन्मदिन पर पार्टी खड़ा कर रहे हैं और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा कि शराब जैसे बुराइयों को अगर एक क्षण के लिए मुझे तानाशाह बनना पड़े तो इसको सबसे पहले बंद करेंगे, तो आज तो उनको आत्मा को चोट पहुँच रहा होगा। तो ऐसे लोग पार्टी खड़ा कर रहे हैं, ज्ञान का ज्ञान कितना है वो तो हम लोग तो उतने जानकार नहीं हैं, लेकिन हम लोग समझते हैं कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के रास्ते ही चल के गांव, शहर और देश आगे बढ़ सकता है, मजबूत हो सकता है। उनके रास्ते को अपनाकर हमारी पार्टी भी चल रही है और भी हमारी पार्टी के आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी आज पूरे राष्ट्र को भी एक संदेश देने वाले हैं जो बिहार में उन्होंने किया। सर, स्मार्ट मीटर उखाड़ फेंकने की बात कर रहा है, लगातार कई जगह पोस्टर लगवाया है कि राहुल मोदी का बंद कीजिए स्मार्ट मीटर उखाड़। अच्छा, उनको कुछ मुद्दा नहीं मिल रहा है तो कुछ क्या करेंगे, बेरोजगार हो रही है सारी पार्टियां, सब काम तो अभी नीतीश कुमार जी के शासन में हो रहा है, गरीबों के राशन से लेके
गरीबों के घर तक बिजली पहुंचाने के लिए, नल का पानी पहुंचाने के लिए, स्वच्छता घर घर में पहुंचाने के लिए, पक्की सड़क नली गली बनाने के लिए, 3 डिसमिल ज़मीन के लिए, हर गरीब को पक्का मकान देने के लिए सब काम जब हम लोग कर रहे हैं तो बेरोज़गार बैठे हैं तो कुछ ना कुछ करेंगे। स्मार्ट मीटर में खराबी क्या है वो उनको बताना चाहिए, स्मार्ट गांव बना रहे हैं तो उनको उसको पर भी मुद्दे उठाना चाहिए। तो उनका तो विरोध करना काम है, सिर्फ विरोध चाहते हैं। अब केरल जैसे राज्य में स्मार्ट मीटर लगा हुआ है तो केरल इनको प्रशिक्षण के लिए अपने कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, कांग्रेस पार्टी और RJD और जितनी पार्टियाँ हैं सबको भेज कर प्रशिक्षण लेना चाहिए, जानकारी लेना चाहिए कि राज तो उन्हीं का LI का है, इसलिए उस सब चीज़ों पर। सर, बिहार में बढ़ते कई जिला प्रभावित हो गई है सर, लोग तो भी में कई जिलों में बाढ़ की पानी घुस गई है। प्रभावित हुए हैं, उससे बचाव का काम, उनको देख रेख का काम, हर तरह से मदद का काम सरकार की तरफ से और माननीय मुख्यमंत्री जी खुद इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, कहीं पर भी दिक्कत और परेशानी नहीं होने दिया जाएगा। पूरी तरह से आपदा पीड़ित का राज्य के खजाने पर पहला हक हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं उसका पूरा पूरा इस्तेमाल ही। मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि बिहार में जिस तरह से बाढ़ की चपेट में पूरे बिहार फंसा हुआ है और विशेषकर 17 से 18 ऐसे ज़िले हैं जिससे बाढ़ से पूरे ग्रस्त हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद ही इसका मॉनिटरिंग कर रहे हैं तो किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो वहीं स्मार्ट मीटर को लेकर विपक्ष हमलावर हैं सरकार पर, तो श्रवण कुमार ने सीख देते हुए कहा कि जाके पहले केरला में सीखना चाहिए, केरला में ट्रेनिंग लेना चाहिए स्मार्ट मीटर को लेकर, दिल्ली में जाकर ट्रेनिंग लेना चाहिए किस तरह से स्मार्ट मीटर वहां बन रहे हैं। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि नीतीश कुमार स्मार्ट गांव बनाने के पूरे मामले पर पड़े हुए हैं तो क्या अब ये लोग स्मार्ट गाँव पर भी विरोध करेंगे? चूँकि स्मार्ट मीटर पर ये विरोध कर रहे हैं, स्मार्ट मीटर इतने अच्छे हैं तब भी ये विरोध कर रहे हैं, जबकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जल पर, नल जल पर, स्वास्थ्य पर, सड़क पर और स्मार्ट मीटर यानी बिजली पर भी इस तरह के बड़े काम कर रहे हैं, लेकिन ये सब को कुछ भी पता नहीं है, बेरोजगारी में कुछ भी करते रहते हैं, इस तरह का बयान देते नजर आए बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार। तो क्या कुछ कहते नजर आए मैंने आपको सुनाया। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही, आगे के तमाम खबरों के लिए बने रहें मेरे साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।